जबलपुर के श्री हसा भवन में विश्व प्रसिद्ध वस्त्र दशहरा की दूसरी महत्वपूर्ण ढेरी गणेश दिवस में अदायगी की गई। करीब 400 सालों से चली आ रही इस परंपरा में बीरिंगपाल से लाई गई सरई पेड़ की टहनियों को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर इस रस्म की अदायगी के साथ ही रथ निर्माण के लिए माई दंतेश्वरी से आज्ञा दी जाती है और इस मौके पर जनप्रतिनिधियों सहित स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस रस्म के साथ ही विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लकड़ियों का लाना भी शुरू हो जाता है। जो राजा साहब थे पुरुषोत्तम राजा के जमाने में शुरू हुआ था ये परंपरा डेरी गढ़ई का। मैंने शुभ काम जो है तेरस के दिन से ही शुरू होता है, जिसने रथ का जो परिक्रमा जो शुरुआत होती है, जो बस्तर दशहरा जो शुरुआत होता है, यहाँ से जो नया कार्यक्रम जो है हमारा बस्तर दशहरा का जो प्रारंभ जो रथ बनाने का जो कार्यक्रम यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा। ऐतिहासिक पर्व माना जाता है और बस्तर दशहरा की जो विभिन्न रस्में हैं उसमें एक रस्म है डेरी गढ़ाई। जिस तरह से हम किसी अतिथि को अपने घर में बुलाते हैं तो उसे रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं, ये परंपरा उसी ठीक उसी तरह से है। बस्तर दशहरा के रथ बनाने के लिए झार उमड़गांव और बेड़ा उमड़गांव के 100 से ज़्यादा कलाकार बस्तर दशहरा का रथ बनाने प्रतिवर्ष आते हैं और 600 साल से आ रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आज बस्तर दशहरा की शुरुआत हो चुकी है और उसी में से एक प्रमुख विधि विधान आज डेरी गढ़ाई का रस्म संपन्न हुआ और हम सभी बस्तर वासियों के सहयोग से, शासन और प्रशासन के सहयोग से, मांझी चालकियों के सहयोग से, सभी जनमानस के सहयोग से बस्तर दशहरा ऐतिहासिक पूर्ण मनाएंगे और निश्चित रूप से हम इस साल का दशहरा ये उधारी में ना हो, ये हम लोग का पहला कोशिश रहेगा। तो ये खबर